हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे देख सकते हैं जो कार पोलो जीटी है, जो कि इसकी कूलेंट लीकेज की प्रॉब्लम है और कूलेंट जो है डब्बे से कम हो जाता है, जो स्टोरेज डब्बा है वहाँ से कूलेंट कम हो जाता है और गाड़ी गर्म हो जाती है। धीरे धीरे कम होता थोड़ा थोड़ा करके। जैसे देख सकते हैं जो लीकेज की प्रॉब्लम था वो वाटर पम्प के पास से था। जो वाटर पम्प है वहाँ वाटर पम्प से ही लीकेज था, और वाटर पम्प के लिए लोकेशन जो है गियर के साइड में है। जो फिटिंग है इसकी वाटर पम्प गियर के साइड में है, और बाकी गाड़ियों कैसा जो टाइमिंग के साइड में रहता है ज़्यादा करके, जो है वाटर पंप इसकी जो है कि गियर बॉक्स के साइड में है। जैसे देख सकते हैं लोकेशन यहाँ पे है। इसमें एक छोटा सा बेल्ट भी दिया हुआ है, और जो रोटरी भी है घुमाने के लिए वाटर पंप को, जो पानी संकुलेशन हो सके या कूलेंट संकुलेशन हो सके जो भी है इस तरह से, तो देख सकते हैं। और ये रहा वाटर पंप। और वाटर पंप खोलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खोलना पड़ता है, जैसे हॉस पाइप, कूलेंट पाइप, ये सब देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खोलना पड़ा है। और ये है वाटर पंप। जैसे देखते हैं जो ब्लैक दिख रहा है, यहाँ का जो सील रहता है वहाँ से लीकेज था, जो कि रिंग वगैरह से लीकेज नहीं था। साइड में रिंग भी है, रिंग से लीकेज नहीं था इसका, सील से लीकेज था। तो सील से लीकेज रहता है तो रिप्लेस करना पड़ता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे हमने नया मंगा लिया है तो देख सकते हैं ये है नया वाला वाटर पंप, और इस तरह से देख सकते हैं हम फिटिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं वाटर पंप में साथ में क्या क्या मिला। हमें चार बोल्ट भी मिला है एलेंकी वाले, साथ में इस तरह से पैकिंग था इसका, तो रिंग भी दिया हुआ है। तो मुझे कुछ सिलिकॉन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लीन करके इस तरह से लगा सकते हैं, कोई लीकेज नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं इसमें 6 बोल्ट की ज़रूरत था जो कि 4 ही दिया है। 2 बोल्ट इसकी जो वाटर पंप की कवर है, कवर में लगेगा इस तरह, देख सकते हैं प्लास्टिक कवर है। जो बेल्ट है बेल्ट के ऊपर कवर लग के फिर ये बोल्ट लगेगा, तो इस तरह से देख सकते हैं ये वाटर पंप। और हम फिटिंग कर रहे हैं, पहले हमें बेल्ट को चढ़ा लेना है, फिर इसके बाद हमें सभी बोल्ट फंसाना है। जैसे देख सकते हमने पहले बेल्ट को चढ़ाया हुआ है, इसके बाद फंसा के फिर बोल्ट को टाइट करना है। इस तरह से करेंगे तो लग जाएगा फटाक से, आराम से लग जाता है, नहीं तो फिर अगर फिटिंग करके बेल्ट चढ़ाएंगे तो नहीं चढ़ेगा। फिर इस तरह से करेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं सब फिटिंग वगैरह कंप्लीट हो गया, खाली हमारा कवर वगैरह लगाना है। और भी पाइपें वगैरह है सब फिटिंग करना है, तो हम फटाफट फिटिंग कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं और लीकेज चेक करते हैं। जैसे देख सकते हैं तो अभी ये जो बचा है ये कवर है, जो कि मैंने वाटर पम्प कम्प्लीट टाइट कर लिया है, खाली ये 2 बोल्ट बचे हैं जो इसकी कवर की है। कवर हम लगाने के बाद ये भी टाइट हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट टाइट कर सकते हैं, फिटिंग कर सकते हैं। और जैसे देख सकते हैं ये लोकेशन है इसकी, जो वाटर पंप की लोकेशन है साइड में है, और बाकी का गाड़िया का देख सकते हैं सबका टाइमिंग के साइड में रहते हैं। तो इसका जो वाटर पंप यहाँ पे है, जो कि इलेक्ट्रिकल नहीं है, सादा ही वाटर पंप है जो इंजन के साथ में घूमेगा। जिस तरह से वो काम करता है उसी तरह से भी काम करेगा। तो इस तरीके से है जैसे देख सकते हैं, जो कि वाटर पंप पूरा फिटिंग हो गया है। और ये रहा थोड़ी बहुत सी पाइपें वगैरह जो भी कंप्लीट हो गया, जैसे देख सकते हैं हमने समझे कंप्लीट कर लिया और स्टार्ट कर लिया हूँ। जैसे कि लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है अभी, तो अभी कहीं से लीकेज नहीं हो रहा है, और जो कि गाड़ी स्टार्ट है जैसे देख सकते हैं।